अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूएच के टेक्नोपीडिया। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वियावी स्मार्ट ओटीडीआर के कुछ बेसिक सेटिंग के बारे में, जिसमें सबसे अहम ओटीडीआर के डिस्प्ले सेटिंग के बारे में, स्मार्ट एक्सेस और क्लाउड सर्वर में आईडी किस तरह बनाई जाती है, और एक टेक्नीशियन या इस ओटीडीआर को मुख्तलिफ टेक्नीशियन किस तरह इसमें आईडी बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और फाइबर जॉइंटिंग कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हम सेटिंग में चलें तो सिक्स सेटिंग में इसकी बैक लाइट ज़ीरो है हमारे पास। इसको अगर हम बढ़ा दें तो इसकी जो बैकग्राउंड कंट्रास्ट लाइट है वो बढ़ जाती है। कंट्रास्ट आउटडोर, अगर आप बाहर निकले हुए हैं, आप कहते हैं कि यार इसकी कंट्रास्ट बढ़नी चाहिए, तो आप आउटडोर सेलेक्ट करें। अगर कमरे में हैं तो आप इंडोर पे सेलेक्ट करें। ठीक है, अभी कमरे में हैं तो आप हमारी ये सिलेक्शन ये हो गई है। ठीक है, सेव स्क्रीन सेवर अगर कुछ लगाना चाहते हैं हमारे नोकिया की ज़रूरत नहीं है हमारे, क्योंकि बैटरी वैसे फजूल में, तो यूटिलिटी में चले जाएँ। यूटिलिटी में अच्छा, ऑटो ऑफ, आप कहते हैं कि ओटीडीआर ना इस्तेमाल करें, तो ना इस्तेमाल करने के बाद आप कहते हैं कि भाई 5 मिनट बाद 10-30 मिनट बाद, तो इसके बाद ओटीडीआर खुद ब खुद शट डाउन हो जाए, बंद हो जाए। तो हमने इसको नो किया हुआ है, क्योंकि काम करते हुए ज़्यादा बंदा बिज़ी होता है, बार बार ऑन ऑफ करने से बंदा जो है ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, टाइम वेस्ट होता है इससे। ठीक है, एक्सपर्ट टूल भी आ जाए तो एक्सपर्ट टूल में आप इंस्टॉल वगैरह कोई इसकी इजाफी फीचर वगैरह कोई फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स करनी है आपने, इंस्ट्रूमेंट लॉक करना है, मीडिया यूटिलिटी आपने कोई यूज़ करनी है। ठीक है, एरेस्ट डेस्क ये ना करें आप। इंस्टॉल का ऑप्शन है कि इंपोर्ट फाइल, कोई फाइल आपने इंपोर्ट करके इंस्टॉल करना है तो वो आपको बताते कि कहाँ पर। अच्छा, इंटरचेंज वगैरह कोई भी मतलब आप चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। एग्जिट कर देते हैं हम। ठीक है, इधर से एग्जिट कर देते हैं। ये थी हमारी सेक्शन। कनेक्टिविटी में आप चले जाएं, कनेक्टिविटी में आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। ये अगर सर्वर टाइप है, सर्वर एड्रेस, अच्छा सर्वर टाइप या सर्वर एड्रेस वाई वी सर्वर, अगर इसका कोई क्लाउड आप लेना चाहते हैं कि भाई मैं कोई क्लाउड लेना चाहता हूं और क्लाउड पे मैं अपना डाटा रखना चाहता हूं, तो ये आप इस तरह इस, क्योंकि इसमें 4G और 5G की फैसिलिटी भी अवेलेबल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब वो आप सेलेक्ट करेंगे या एक्सेस करेंगे तो क्या होगा कि आपका डाटा सारा क्लाउड में ही सर्वर में पड़ा रहेगा। आप यहाँ पे सर्वर का एड्रेस भी दे सकते हैं, सर्वर का एड्रेस अगर आपने कोई दिया हुआ तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई अकाउंट वगैरह है, अकाउंट आईडी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा ये अकाउंट है क्लाउड का, मेरा ये अकाउंट है, यहाँ पे मैं टेक्नीशियन आईडी, अगर डिफ़ॉल्ट कोई आप कोई टेक्नीशियन कोई भी आईडी है, तो अगर एक नहीं दो तीन ज़्यादा हैं, अगर आपकी अकाउंट आईडी ज़्यादा है और इसको एक टेक्नीशियन नहीं ज़्यादा टेक्नीशियन यूज़ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या होता है इसमें वो फिर सारी आईडी यहाँ पे होती है। आप सेलेक्ट करें कि मेरी आईडी ये है और मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, मेरा डाटा इस सर्वर में इस आईडी पे सेफ रहे। ठीक है, अपलोड फ्रॉम डिस्क एंड डेटा सिंक, अगर आपने कोई डेटा अपलोड करना है, सिंक करना है क्लाउड के साथ, तो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, अच्छा हम वापस जाते हैं। अपग्रेड, अगर इस सॉफ्टवेयर को आपने अपग्रेड करना है तो इस हवाले से हम वापस जाते हैं, ये कोई हमारा कंसर्न खास नहीं है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, कनेक्ट पावर सप्लाई बिफोर अपग्रेड क्लूड, और क्लूड में आप ये देखें URL, यूज़र नेम और की पासवर्ड वगैरह, आप यहाँ से क्लूड के साथ आप कनेक्ट यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, क्लूड के साथ आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते थे। और ये हेल्प के बारे में कि इसके मज़ीद आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्मार्ट एक्सेस, इसमें कोई कंटिन्यू क्या कहते हैं, कंटिन्यू स्मार्ट एक्सेस, हमारे कोई स्मार्ट एक्सेस इस तरह है नहीं, क्योंकि इसमें मेरे हमें वाईफाई का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, और तो इस वजह से वो सामने कोई वो ऑप्शन नहीं दे रहे। ठीक है, अनटिल नाउ हमारे पास यही था।
नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।